तो ये ए लाइन कुर्ती स्टिचिंग होके रेडी हो चुका है। ए लाइन कुर्ती कैसे स्टिचिंग करना है इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये इसका बॉटम साइड है, मेरा जो कटिंग काउंटर का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो भी छोटा पड़ जा रहा है। इसका बॉटम का घेर इतना अच्छा आया है, इतना बड़ा आया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ इरफान। पिछले वीडियो में इस ए लाइन कुर्ती का कटिंग करना हम लोगों ने सीखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर मैं वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस ए लाइन कुर्ती को स्टिचिंग करना सीखेंगे, सिलाई करना सीखेंगे। ये हमारा स्लीव है और इस स्लीव में हम ये लेस ऐड करेंगे। यहाँ पर ये 1.25 इंच का लेस है, इसको हम यहाँ पर ऐसे स्टिच करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्लीव है और ये हमारा गला है, ये फ्रंट का गला है। कटिंग के वीडियो में मैंने गला कट करना बताया था, नेक, और ये बैक का गला है। इसको मैंने कपड़े में चिपका लिया है, आयरन से प्रेस कर लिया है। तो गला हम इसको अभी रख देते हैं और ये इसका पट्टी है जो हम गला जब बनाएंगे तो यहाँ अटैच करेंगे। ये कपड़े के साथ में ही था। अभी हमको क्या करना है, पहले तो ये स्लीव रेडी करना है सबसे फर्स्ट, और उसके बाद हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये बैक है और ये फ्रंट है। इसको ऐसे खोल देना है, यहाँ हम दो पीस ले लेंगे, दो बैक में और दो फ्रंट में हम जोड़ेंगे। तो ये देखो ये ऐसे आएगा। तो हमको क्या करना है, एक ये वाला जो है ये हम इसको यहाँ ऐसे अटैच करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है, सिलाई कर लेना है। और एक जो है ये वाला, इसको यहाँ ऐसे रखना है और इसको भी सिलाई कर लेना है। इसी तरह हम बैक को भी सिलाई करेंगे। तो आइए मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाता हूँ। तो ये सीधा है, ये देख लो ये सीधा है और ये वाला उल्टा है। तो ये उल्टा साइड जिधर है, उल्टा साइड ऐसे रखना है और इसके ऊपर ये हमारा लैस है, इसको ऐसे रखेंगे। अब इसको ऐसे पलट देना है, इस तरह से इसको पलट देना है। अब यहाँ हम इसका नेक रेडी करेंगे, गला बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो कपड़े में पट्टी है इसको अटैच करना है, इसको पूरा ऊपर से ऐसे बराबर करके रखना है और बीच सेंटर में, कपड़े का जो बीच सेंटर है, बीच सेंटर मार्क लगा लेना है।
अब ये हमारा फ्रंट का गला है, इसको क्या करेंगे, ये जो हमने फोल्ड किया हुआ है इसको हमने आयरन से पहले बकरम को चिपका लिया है, प्रेस कर लिया है, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। इसको अब स्टिच कर लेना है, एक सिलाई लगा लेना है। यहाँ सेंटर में ऐसे रखना है इसको, और यहाँ भी ऐसे बीच सेंटर में रख के पहले क्या करेंगे, इसको एक स्टिच कर लेंगे। ये भी स्टिच करने से क्या होगा, अब ये इधर उधर नहीं होगा, ये बिल्कुल अपने जगह पे रहेगा। अब यहाँ हम बकरम के एक पॉइंट छोड़कर सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ हम एक स्टिच लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, शोल्डर अटैच करने के बाद लगाएंगे। तो इसको अब हम रखते हैं और बैक का हम गला रेडी करेंगे। ये बैक का गला है, इसको भी हम पहले स्टिच कर लेते हैं। एक लटकन बना लेते हैं हम 4.5 और ये भी 4.5, ठीक है। अब ये जो लटकन है इसको लगाना है। ये कहाँ लगाना है, ये यहाँ से 2.25 इंच पे।
ये फ्रंट है और ये भी फ्रंट है, तो फ्रंट को फ्रंट साइड रखना है। अब जो ये इसका बीस सेंटर है, यहाँ से ऐसे बीस सेंटर में रखना है और इसको यहाँ से ऐसे मेज़रमेंट करते हुए अब फ्रंट क्या करना है, ये जो बॉटम है इसको डबल फोल्ड कर लेना है। साइड जोड़ने से पहले बॉटम को डबल फोल्ड कर लेना है, एक बार फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड कर लेना है। और अब इसको इस तरह से, और अब हम इसको फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ चेस्ट का, ये तो हमारा कटिंग में यहाँ तक का मार्क हमने लगाया हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको कैसे मार्क लगाना है। अब फ्रंट इसको यहाँ से एक इंच मार्क लगा लिया, वन इंच, एक इंच ऐसे हम इसको मार्क लगा लेते हैं और यहाँ सवा इंच, और इसको इसमें लाकर मिला देंगे। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे मिला देना है और यहाँ इसको हल्का सा ऐसे शेप कर देना है। ये जो हमने कटिंग में जो मार्क लगाया था स्लिप का, और ये सेम रहेगा। और यहाँ से जो है, यहाँ नीचे एक इंच मार्क रखना है, एक इंच, और यहाँ ला के इसमें मिला देना है। अब इसको हम सिलाई करेंगे, तो इसको ऐसे बराबर रख के और यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ हमने इसको स्टिच कर लिया है, सिलाई कर लिया है, और यहाँ नीचे भी इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब क्या करना है, अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये ए लाइन कुर्ती स्टिचिंग होके रेडी हो चुका है। ए लाइन कुर्ती कैसे स्टिचिंग करना है इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये इसका बॉटम साइड है, मेरा जो कटिंग काउंटर का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो भी छोटा पड़ जा रहा है। इसका बॉटम का घेर इतना अच्छा आया है, इतना बड़ा आया है। तो ए लाइन कुर्ती इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टिचिंग करना बताया है। इसका कटिंग का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियो में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा।